मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर का एक बार फिर से स्वच्छता सर्वेक्षण में अपने नाम पर नंबर वन का ताज करने में कामयाब हो गया है। इसीलिए अब मध्य प्रदेश के नवागत नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने दिल्ली पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से ये नंबर वन का अवार्ड हासिल किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर को वैसे तो देश का सबसे साफ सुथरा शहर कहा जाता है, लेकिन अब स्वच्छता के शिखर पर लगातार तीसरी बार इंदौर विराजमान हो गया है। राजधानी दिल्ली में हुए एक समारोह में स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में भी इंदौर ने पूरे देश में बाजी मारी और लगातार तीसरी बार नंबर एक का ताज हासिल किया। समारोह में देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह और इंदौर की महापौर मालिनी गौड़ को ये अवार्ड प्रदान किया। आपको बता दें कि प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने इस नंबर के पायदान को कायम रखने के लिए कई बैठकें की थी और इंदौर नगर निगम प्रशासन की सफाई व्यवस्था पर पैनी नजर बनाए रखी हुई थी। यही वजह है कि लगातार तीसरी बार इंदौर के नाम नंबर एक का अवार्ड आया और हैट्रिक बनाते हुए हमारे अपने शहर इंदौर ने समूचे राष्ट्र में स्वच्छता के मामले में एक मिसाल पेश की है। की इस सर्वोच्च शिखर पर इंदौर ने जो आदर्श प्रस्तुत किया है उससे स्वच्छता के क्षेत्र में हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश का मान और भी गौरवान्वित हुआ है। ये इंदौर की जिंदा दिली है और सकारात्मक सोच का परिणाम है कि महापौर मालिनी गौड़ और उनकी टीम ने प्रदेश के कांग्रेस सरकार बनने के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह से सामंजस्य बनाकर एक बार फिर कामयाबी को बरकरार रखा और स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में भी नंबर वन की ऊंचाई बनाए रखी। इसलिए तो कहा गया है इंदौर था नंबर वन, इंदौर है नंबर वन और इंदौर रहेगा नंबर वन। एमपी न्यूज भी इंदौर की नंबर वन कहानी और जज्बे को सलाम करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।